আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন গাইজ? আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। সো গাইজ, মাই নেম ইজ আমাদ লতিফ অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং পাকিস্তানি বাংলা রিয়াকশন। ওর আজ কি ভিডিও কা টাইটল জো হ্যায় ঢাকা সে রিলেটেড হোনে ওয়ালা হ্যায় জি। ভিডিও কা টাইটল মে আপকো পহলে বাতা দূ, ইয়ে হ্যায় জি ঢাকা সিটি ইন রিভার্স সাইনম্যাটিক ভিডিও। মতলব রিভার্স কে অন্দর ক্যা সিন হোনে ওয়ালা, মেরে খেয়াল সে পুরি ভিডিও রিভার্স চলায়েঙ্গে ইয়া ক্যা সিন হোনে ওয়ালা হ্যায় ভিডিও কে অন্দর জাকার হি পতা লাগেগা। तो विदाउट एनी डिले हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 2 1। रिवर्स म्यूजिक बहुत काम सा और लगाया हुआ है, जरा सिंपल सा। अच्छा, सारा कुछ ही रिवर्स चल रहा है। एक अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट इन्होंने चूज किया ये रिवर्स वाला। BRTC बांग्लादेश रैपिड ट्रांजिट, आई थिंक सो। बैक ये वाली रोड वाइड थी, आई थिंक ये गुलशन की तो नहीं है। ये ढाका यूनिवर्सिटी तो नहीं है कहीं, मुझे जहां तक लगता है ढाका यूनिवर्सिटी। आपने जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वाली, इफ आई एम राइट और रॉन्ग, मुझे लगता है ढाका यूनिवर्सिटी है। वो बेचारी गरीब बस जिसका कुछ ना रहा। ये किसी बैंक की ब्रांच है क्या? अल्लाह, फिल्म बाय सोहेल। ओके जी, वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं जी। फिल्म बाय सोहेल थी ढाका सिटी इन रिवर्स। ये एक यूनिक इन्होंने जो है ना वो एक टाइटल चूज़ किया। मैंने क्योंकि इससे पहले इस तरह की वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया कि रिवर्स के अंदर जी, ये इन्होंने आई थिंक सोचा होगा बैठ करके, यार इतनी वीडियोज़ ढाका पे बन गई हैं, अब कोई न्यू कॉन्सेप्ट लाया जाए, कोई यूनिक टाइटल लाया जाए, तो भाई उन्होंने ये वीडियो बना दिया है ढाका इन रिवर्स। हर चीज़ रिवर्स में चल रही थी, इतना मुझे आइडिया नहीं हो पाया जो है ना अलग अलग स्पेसिस का कि ये कौन सी जगह थी, क्योंकि नॉर्मल वीडियोस जो होते हैं उनमें आई थिंक हम गैस कर लेते हैं कि यार ये गुलशन लग रहा है, ये उतरा लग रहा है, ये फलां लग रहा है, ओल्ड ढाका लग रहा है या न्यू ढाका है, क्योंकि इतने ज़्यादा रिएक्शंस तो हम दे चुके हैं ढाका पे या पूरे बांग्लादेश पे, तो इतना गैस हो जाता है। और इस वीडियो के अंदर भी मैंने एक गैस किया है कि ये ढाका यूनिवर्सिटी है, क्योंकि एक बाउंड्री नज़र आई थी, मुझे लगा कि यार ये ढाका यूनिवर्सिटी है। तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मेरा गैस जो है वो दुरुस्त था या नहीं था, ये मुझे ज़रूर बताना था कि मुझे भी ज़रा अपनी सेटिस्फेक्शन हो, खुशी हो यार कि मैं अभी ढाका का कुछ ना कुछ जो है ना उससे रिकॉग्नाइज हो गया हूँ, उसको जानना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि इतनी वीडियोस बनाई हैं अब इतना तो बनता है। तो बाकी भाई सोहेल हैं ये अंडररेटेड यूट्यूबर मुझे लगता है, क्योंकि इन पर काफ़ी व्यूज़ कम आते हैं इस तरह के जो वीडियोज़ बनाते हैं बांग्लादेश पे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस तरह के यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट करें, इनकी वीडियोस को देखा करें, इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियो को लाइक करें, ताकि आप जितनी आप वॉच टाइम इनका इंक्रीज़ करेंगे, लाइक करेंगे, उतनी वीडियो इनकी फैलेगी, मज़ीद जो है ना वर्ल्ड वाइड भी फैलेगी, लोग इसको देखेंगे, फिर ही बांग्लादेश की टूरिज़्म में भी मज़ीद इंक्रीज़ होगा, इजाफा होगा। और जैसे पाकिस्तान में भी अभी हो रहा है, इंडिया में, बांग्लादेश में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मज़ीद बूम करेगी इंडस्ट्री टूरिज़्म की। तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप यूट्यूबर्स को सपोर्ट ज़रूर करें अपने और जो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, ताकि उनकी वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सकें। तो अच्छी एक जो है ना ट्राई थी, अच्छी कोशिश थी, हमने तो इनको भाई अपनी तरफ से प्रमोट कर दी है। अब बाकी आप पे है, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और रमज़ान मुबारक चल रहा है जी, आज 8वां रोज़ा आई थिंक एंड हो गया है, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, बाकी मुस्लिम कंट्री को, और पर्सनली मुझे और हसन को भी, हमारी फैमिलीज़ को भी, और ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच गाइज़, और अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।